नमस्कार, निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम 27 अप्रैल को द हिंदू में प्रकाशित लेख लेसन फ्रॉम अ मिलिट्री इनकाउंटर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक विश्व की जटिल समस्याओं के आलोक में विभिन्न राष्ट्र राज्यों द्वारा एक साथ कई स्तरों पर कूटनीतिक प्रक्रियाओं का संचालन बहुआयामी कूटनीति कहलाता है। इसके अंतर्गत आधिकारिक और गैर आधिकारिक स्तरों पर संघर्ष के कारणों को समाप्त करने के लिए प्रयत्न, नागरिकों और वैज्ञानिक स्तरों पर आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आदान प्रदान जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं। ये प्रयत्न सरकारों, राजनैतिक संगठनों, व्यापारिक समुदायों, धार्मिक संगठनों, मीडिया या आम नागरिकों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रकारों में ट्रैक टू कूटनीति शामिल है। आइए देखते हैं ट्रैक टू कूटनीति क्या है। अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान के लिए नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कूटनीति को ट्रैक टू कूटनीति कहा जाता है। वस्तुतः यह अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का ही प्रतिनिधित्व करती है जिसमें नागरिकों की भूमिका विशेष महत्ता होती है। आइए संदर्भ देखते हैं। युद्ध के दौरान या शत्रु देश से वार्ता का विकल्प जनता द्वारा अवांछनीय माना जाता है। हालांकि युद्ध के लंबे इतिहास में पिछले संकटों से निपटने के अपने अनुभव का यह सबक है कि तनाव कम करने, डी एस्केलेशन के लिए दोनों पक्षों के बीच वार्ता होना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ वार्ता करनी चाहिए थी या नहीं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इस तरह की वार्ता बैक चैनल के माध्यम से मीडिया से बचकर की जा सकती है। बैक चैनल वार्ता में औपचारिक अधिकारी या नेता की जगह अनौपचारिक व्यक्तियों जैसे सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य विवेकपूर्ण और शांतिपूर्ण हल निकालना होता है। वर्तमान में भारत और पाक देशों के बीच संचार के पहले से मौजूद चैनल का शायद ही इस्तेमाल किया जाए, यह द्विपक्षीय वार्ता का संकट है। यह हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के हमलों के बाद सैन्य गतिरोध के चलते दोनों देशों में वार्ता पर विराम लग गया। द्विपक्षीय संघर्ष को रोकने के लिए बैक चैनल के माध्यम से वार्ता होनी चाहिए ताकि हम अवांछनीय परिणामों और युद्ध जैसी भयानक स्थितियों से बच सकें। युद्ध जैसी स्थितियों के चलते बैक चैनल से वार्ता नहीं की जा सकती तो इसके अभाव में दोनों परमाणु सशस्त्र देश अप्रत्याशित परिणामों के साथ अनजान संघर्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि केंद्रीय निर्णय निर्माताओं द्वारा सैन्य संकटों को नियंत्रित किया जा सके, इसलिए बैक चैनल महत्वपूर्ण साबित होते हैं। संचार का टूटना। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया घटनाक्रमों के बीच में दोनों देशों के बीच संपर्क नहीं था जो डी एस्केलेटरी की भूमिका निभाते। पिछले वर्षों के विपरीत वर्तमान में दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधिकारियों के बीच बैठक नहीं हुई है और हालिया घटनाओं के बाद दोनों देशों द्वारा अपने अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया गया है। संकट की जिस अवधि के दौरान आवश्यकता थी कि सरकारों द्वारा शांति व वैकल्पिक संदेशों का आदान प्रदान किया जा सके, साथ ही बैक चैनल वार्ता हो ताकि युद्ध को टाला जा सके, लेकिन अपने अपने उच्चायुक्तों को दोनों देशों द्वारा वापस बुला लिया जाना एक विपरीत कदम साबित होता है। बैक चैनल द्वारा कारगिल के युद्ध में भी राजनीतिक रूप से नियुक्त वार्ताकारों ने दोनों देशों के बीच डी एस्केलेटरी का विचार विमर्श किया था। वर्तमान में सरकार द्वारा किसी तरह के वार्ता के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। भारतीय पायलट की रिहाई के लिए दोनों देशों के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के प्रमुखों ने एक दूसरे से संवाद किया और इस बात का हल निकाला। आइए देखते हैं इसमें तीसरा पक्ष क्या है। जब दो देशों में शत्रुता होती है और वार्ता तंत्र नहीं होता है तो तीसरे पक्ष या देश द्वारा मध्यस्थता की जाती है, किंतु यह किसी लाभ से प्रभावित होती है और इस वार्ता से दोनों देशों को लाभ नहीं मिलता तथा कई पक्षों की भागीदारी होने की स्थिति से गलत संचार और कुप्रबंधन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। अलग अलग एजेंडों और उद्देश्यों के साथ मध्यस्थता में तीसरे पक्ष द्वारा अपने हित को साधने की कोशिश की जाती है, इसलिए बैक चैनल वार्ता महत्वपूर्ण है। आइए निष्कर्ष देखते हैं। पाकिस्तान में उच्च स्तरीय बैक चैनल संपर्क फिर से स्थापित किए जाने चाहिए। शीत युद्ध के दौरान भी दोनों देशों यूएसए और रशिया द्वारा एक दूसरे से बैक चैनल द्वारा वार्ता जारी रखी गई थी, जिसका परिणाम युद्ध जैसी भयानक स्थितियों से बचना था। इससे हम सीख सकते हैं कि प्रतिद्वंदी के साथ संघर्षों में भी एक दूसरे के साथ वार्ता जारी रखी जानी चाहिए ताकि युद्ध जैसी स्थितियों को टाला जा सके। आइए देखते हैं लेख से संबंधित मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य संबंध हमेशा से उतार चढ़ाव से युक्त रहे हैं।
हाल ही में पुलवामा हमले के बाद से द्विपक्षीय संबंधों की तलखी अपने चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। क्या भारत को पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने हेतु वार्ता के अन्य उपायों को अपनाना चाहिए? हमें उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में मददगार साबित होगा। हम इस तरह के टॉपिक भविष्य में भी लाते रहेंगे। निर्माण IAS YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।